हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा और आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है, रॉकेट के बारे में पढ़ लिया है, उसके साथ साथ हमने मिसाइल और उसके कंपोनेंट और वर्किंग के बारे में पढ़ा है। साथ साथ हमने एक एक मिसाइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि हम किस तरीके से मिसाइल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उनको किस किस बेसिस पे उसका डिवीजन हो सकता है। ये सारी चीज़ हमने अभी तक अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। तो चलिए देखते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की वीडियो में हम सबसे पहले मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये चीज़, इंडिया ने ये चीज़ क्यों बनाई है, क्यों डेवलप करी है और हमारे को भी ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपको मैंने आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे केस सीरीज फैमिली, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम, जो कि आपको सबने, आप सभी ने इतना ज़्यादा न्यूज़ में उसे देखा होगा और इसका डेवलपमेंट देखा होगा और डेली बेसिस पे, आई मीन वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपने इसके बारे में कंटिन्यूसली न्यूज़ सुनी होगी। उसके साथ साथ हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि और कौन कौन सी मिसाइल है जो हमारे लिए, यानी इंडिया के डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली, और उसके साथ साथ क्यों उसका, इसकी डेवलपमेंट करी जा रही है, क्यों इनके प्रोग्राम्स को कंटिन्यूसली पुश दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आज देखते हैं कि सबसे पहले हम किस प्रोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले, आप इसको जानने से पहले, हम क्यों पढ़ने वाले हैं, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे, जो कि यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, व्हाट इज द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस, ठीक है। ये 2018 में काफ़ी न्यूज़ में था, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, दैट इज़ योर एन इजराइल रेडार सिस्टम, इंडियाज इंडिजीनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम, एंड थर्ड ऑप्शन इज योर एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अ डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला, दैट इज योर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम सबसे पहले किसने स्टार्ट करा था, जैसा कि हमें पता है, ये प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट करा था, ठीक है। और ये कब करा गया था, दैट इज 1983, दैट इज 26 जुलाई 1983। और क्यों करा गया था ये भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, इसने कौन कौन से मिसाइल्स डेवलप करी जा रही हैं और कॉन्टीन्यूअसली इनके ऊपर, किस किस मिसाइल के ऊपर कॉन्टीन्यूअसली रिसर्च चल रही है और उनको अपग्रेड करा जा रहा है। दैट इज अवर पृथ्वी, जो कि हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। बेसिकली तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है और मैंने आपको बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल, हमने डिटेल में पढ़ा था कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं। उसके साथ साथ हमारी अग्नि, दैट इज अवर इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट इज अगेन सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लेकिन ये इनकी जो रेंज है इंटरमीडिएट भी है और इंटरकॉन्टिनेंटल तक भी है। इसके बाद देखते हैं हम त्रिशूल के बारे में, दैट इज अवर शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल। और उसके बाद आती है हमारी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, दैट इज आकाश, दैट इज मीडियम रेंज। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन रेंज के बेसिस पे भी करा है और उसके टाइप्स के बेसिस पे भी करा है और साथ साथ उनके मोड के बेसिस पे भी करा है। तो हम यहाँ पर वो सारी चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से मिसाइल के किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रखा है। उसके बाद आती है हमारी नाग, ठीक है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये हमारे लिए किस तरीके से ये यूनिक है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सबसे पहली जो मिसाइल है, दैट इज पृथ्वी, यानी
हम दैट इज ये उन्हीं में से आपने सही नाम सुना है, दैट इज पृथ्वी। पृथ्वी मींस अर्थ, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फाइव एलिमेंट, जो कि हमारे पांच एलिमेंट है जिन तत्वों से मिलकर बॉडी बनी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है। तो पहली मिसाइल जो है वो हमारी पृथ्वी है, और वो क्या है, उसकी जो क्लास है दैट इज अवर शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यानी ये शॉर्ट रेंज है, यानी इसका डिस्टेंस ये काफी कम डिस्टेंस तक कवर करती है। और आपको याद होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, शॉर्ट रेंज मिसाइल कौन सी होती है, दैट कैन ट्रेवल अप टू 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर जो पृथ्वी है वो भी हमारी लेस देन 1000 किलोमीटर तक ही अभी ट्रेवल कर सकती है। इसका अभी जो लास्ट अपग्रेडेड वर्जन भी है वो भी 1000 किलोमीटर से ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज यूजफुल टैक्टिकल एंड बैटल फील्ड यूजेस, ठीक है। जैसे कि आपने देख लिया है, टैक्टिकल मीन्स इसको बैटल फील्ड में, यानी जब कहीं भी वॉर होती है या फिर यहां पर बैटल हो रही होती है तो वहां पर इसका यूज करा जाता है। और टैक्टिकल means जो भी मिसाइल शॉर्ट रेंज पर्पस के लिए, वेरी शॉर्ट, दैट इज इवन अप्रोक्स 150 किलोमीटर डिस्टेंस तक यूज करी जाती है, तो उसको हम टैक्टिकल मिसाइल भी कहते हैं, ठीक है। ऑल मिसाइल्स आर रोड मोबाइल विच अलाउज देम टू बी डिप्लॉयड विद मैन्यूवरिंग फोर्सेस। ये जो जितनी भी मिसाइल है ये किस तरीके से डिप्लॉय करी जाती है, दैट इज रोड मोबाइल। रोड मोबाइल मींस इनको एक पर्टिकुलर ट्रक के थ्रू, जो कि अभी आपके आगे हम देखेंगे वो किस तरीके के ट्रक होते हैं, वो हम आगे की टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके के ये ट्रक होते हैं, स्पेशली डिजाइन होते हैं, एक पर्टिकुलर मिसाइल के लिए डिजाइन करे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो पृथ्वी मिसाइल है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर ट्रक, यानी एक पर्टिकुलर व्हीकल डिजाइन करा जाता है, ठीक है। या तो उसको हम लॉन्चर भी कह सकते हैं और एक पर्टिकुलर व्हीकल भी कहा जा सकता है, क्योंकि व्हीकल इसलिए क्योंकि इन्हीं का ही यूज करके इनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे इनको डिप्लॉय करा जाता है। जैसे कि अगर हमारे को कहीं पर वॉर प्लेसेस पे अगर मुझे इससे क्या करना है, डिप्लॉय करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसी व्हीकल के थ्रू उसको वहां जाके, यानी नियर दी वॉर प्लेस उसको मैं डिप्लॉय करूंगा, यानी वहां जाके उसको रखूंगा, और जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसका क्या करूंगा, उसको फायर करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मिसाइल है, ये जो मिसाइल जो आप देख रहे हैं पृथ्वी, ये क्या है, रोड मोबाइल है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मोबाइल से यानी रोड के थ्रू इसको ले जाया जा सकता है। इसीलिए हमारी जो इंडिया है, यानी हमारी जो इंडिया के जो बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉर्डर्स के आसपास की रोड को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस तरीके की जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, टैक्टिकल मिसाइल है, जिसको बैटल फील्ड में यूज करा जा सका है, वहां नियर दी बॉर्डर्स इसको यूज करा जा सके, ठीक है। इसीलिए इनका हम बहुत ज्यादा इनका यूज करने की आगे इंडिया सोच रहा है, ताकि इनको बॉर्डर पे रखा जा सके और उनका यूज करा जा सके। इसके साथ साथ यानी जैसे कि बताया, इट इज लॉन्च फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये होता क्या है जब हम आगे की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी बेसिकली जो मिलिट्री में एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये व्हीकल्स यानी ये लॉन्चर होते क्या है, और अलग अलग मिसाइल्स के लिए अलग अलग लॉन्चर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि हर एक मिसाइल की लेंथ विड्थ अलग अलग होती है, तो उसी तरीके से इनको अलग अलग डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो ये पेलोड है, व्हाट इज पेलोड, जैसे कि मैंने बताया था कि पेलोड क्या होता है, वॉरहेड। यहां पर इन केस ऑफ मिसाइल जो पेलोड है वो वॉरहेड है। तो यहां पर जो पृथ्वी जो मिसाइल है वो एक हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट को क्या कर सकती है, एज अ वॉरहेड हम उसको यूज कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर, यानी ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी यूज करा जा सकता है पृथ्वी में। यानी अगर मुझे किसी न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर वॉरहेड को इस जगह से दूसरी जगह पे क्या करना है, टारगेट करना है, तो मैं पृथ्वी का यूज कर सकता हूं। लेकिन किस रेंज में, सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही इसका मैं यूज कर सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी इसको सरफेस से लॉन्च करा जाता है, और किसी जो हमारा टारगेट होता है वो भी क्या होता है, सरफेस पर ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारी जो इनका कैटेगराइजेशन क्या है। सबसे पहले जो पृथ्वी वन है वो कब, पृथ्वी वन जो है उसकी रेंज कितनी है, अप्रोक्स 150 किलोमीटर, दैट इज 150 किलोमीटर। एंड जो ये पेलोड है वो कितना उठा सकती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1000
1000 किलोमीटर, एंड मैंने जैसे कि बताया इट इज न्यूक्लियर कैपेबल, मींस ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकती है। लेकिन एक चीज और मैं यहां पर लिखा हुआ है, इट्स ए न्यूक्लियर कैपेबल। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर कैपेबल? मींस ये ले जा सकती है, हर एक मिसाइल नहीं ले जा सकती, ठीक है? क्योंकि इसको, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल यानी न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने के लिए उसको उस तरीके से डिजाइन करा जाता है और उस तरीके से उसको बनाया जाता है ताकि जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो पर्टिकुलर उस वॉरहेड यानी पेलोड प्लेसेस में उसको प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा जा सके, क्योंकि इट्स अ हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट। जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है? न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये क्या है कि न्यूक्लियर एलिमेंट्स को वहां पर क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्लोड कर सकते हैं, ठीक है? तो और जो इसका वेट होता है, पूरा वेट यानी इसका पूरी मिसाइल का जो वेट होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4000 to 4500 kg। और इनका जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है लिक्विड, यानी ये वन स्टेज है, यहां पर लिखा हुआ है वन स्टेज, ठीक है? ये वन स्टेज मींस यानी इसकी एक ही स्टेज होती है। जो हमारी फर्स्ट पृथ्वी मिसाइल बनाई गई थी उसको एक ही स्टेज रखी गई थी, इसी वजह से वो क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस यानी 150 किलोमीटर तक ही ट्रेवल कर सकती है। और जो ये गाइडेंस है, इसमें कौन सा गाइडेंस प्रोवाइड होता है, इनर्शियल एंड टर्मिनल, ठीक है? इनर्शियल मींस जो कि मास बेसिस पे यानी इनर्शिया बेसिस पे काम करता है। एंड व्हाट इज टर्मिनल? टर्मिनल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ रहे थे तो टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम क्या होता है, ठीक है? तो वहां जब हमने मिसाइल के कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था तो हमने देखा था कि टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम क्या होता है, तो उसी तरीके से जो हमारा कहते हैं यहां पर भी उसी टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम का यूज इस मिसाइल में करा जाता है। उसी तरीके से पृथ्वी 2 जो है वो उसकी रेंज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 250 to 350 किलोमीटर, और उसके अलावा जो ये पेलोड है वो कितना उठा सकती है, दैट इज 500 to 750 kg तक ये वेट पेलोड उठा सकती है। और इसका जो वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4000 to 4500 kg। और अगेन इसका जो स्टेज है इसमें भी एक ही स्टेज है, और एक ही स्टेज कौन सी है, लिक्विड स्टेज, यानी इसके अंदर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा जाता है, जो कि हमने प्रोपल्शन बेसिस पे हमने पढ़ा था कि इसका क्लासिफिकेशन यानी मिसाइल का क्लासिफिकेशन प्रोपल्शन बेस पे कैसे होता है। तो उसमें हमारा एक था, दैट इज अवर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, उसके बारे में हमने पहले अपने लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है? और इसका अगेन यहां पर जो गाइडेंस सिस्टम है, दैट इज अवर इनर्शियल एंड टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम। अगेन जो पृथ्वी 3 है, दैट इज उसकी रेंज कितनी है, 350 to 600 किलोमीटर। और ये भी क्या है कि ये सारी क्या है, यानी हम देख सकते हैं कि ये सारी मिसाइल यानी पृथ्वी जो है न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। न्यूक्लियर वॉरहेड के अलावा इसको हाईली एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं पेलोड प्लेस पे, और उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं टारगेट प्लेस पे हम जाके इसको भेज सकते हैं, ठीक है? तो इनका जो हमारी पृथ्वी 3 है उसकी जो हमारी पेलोड कैपेसिटी है, दैट इज अवर 1000 kg। और अगेन यहां पर हम देखें इसका जो वेट है वो क्या है, बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो दो प्रोपल्शन सिस्टम यूज करे गए हैं, वन इज सॉलिड एंड अनदर इज लिक्विड, ठीक है? तो यहां पर 2 stage होने की वजह से इनमें क्या है, इसका जो वेट है यानी टोटल पृथ्वी 3 का जो वेट है वो बढ़ जाता है। यही चीज हम देखने को मिलती है कि जैसे जैसे किसी भी मिसाइल का वेट बढ़ता है तो या तो उसमें फ्यूल बढ़ाने के लिए या स्टेज बढ़ाने के लिए उसमें क्या करा जाता है, उसको बढ़ाने के लिए इसमें वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है दैट मींस हमारा प्रोपल्शन सिस्टम या फिर फ्यूल बढ़ रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये कितनी रेंज तक जा सकती है, दैट इज अप्रोक्स 600 किलोमीटर, इवन मोर देन 600 किलोमीटर, ठीक है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब कोई मिसाइल ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स वो क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल यूज कर रही है। जब कोई ज्यादा से ज्यादा फ्यूल यूज करेगी, या तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें स्टेजेस बढ़ा देते हैं, यानी स्टेजेस बढ़ाने का मतलब ही क्या है कि हम उसमें 2 different stages का यूज कर रहे हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एक ही स्टेज को यानी एक ही स्टेज में उसके फ्यूल की कैपेसिटी आई मीन फ्यूल जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है? तो यहीं पर हम देखते हैं कि पृथ्वी में भी ये ऐसा ही कुछ करा गया है। जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है वहां पर क्या है, हमारे पास इसका क्या कर रहे हैं हम, इसका वेट बढ़ रहा है। लेकिन हम सेकंड में देखते हैं इसकी रेंज तो बड़ी है, लेकिन इसको जगह हमने क्या कर दिया है, लेकिन इसका जो वेट है वो अभी भी अप्रोक्स सेम ही है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, पेलोड की कैपेसिटी हमने
कम कर दी है। जैसे ही पेलोड कम हो जाता है वैसे ही क्या होगा, हमने अपने फ्यूल को यानी पेलोड को कम जगह कम दे दी और फ्यूल को जगह ज़्यादा दे दी। इसी वजह से इसकी जो रेंज है, इसकी जो वेट है कितना रह जाता है, दैट इज 4000 to 4500 kg। ठीक है, तो ये था हमारा पृथ्वी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इज अवर अग्नि। ठीक है, अग्नि, अग्नि के बारे में जैसे कि इट इज अगेन अ वन ऑफ द 5 elements ऑफ द नेचर, जिससे हमारी नेचर बनी है, जिससे हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, तो यहां पर अग्नि का जो यूज है, दैट इज यहां पर जो मिसाइल है वो क्या है, हमारी मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगेन यहां पर जो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल है, लेकिन मैं आपको अगेन बता दूं कि ये मिसाइल अब क्या कर सकती है, अब इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक भी जा सकती है। ठीक है, और इसकी जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। अगेन यहां पर भी ये क्या है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसके बाद क्या, इट इज हाईली एक्यूरेट। ठीक है, यहां पर यानी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ड्यू टू इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। जैसे कि हमने देखा था कि पृथ्वी मिसाइल में भी इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का यूज करा गया था, विद अ टर्मिनल फेस रेडार कोरिलेशन टारगेटिंग सिस्टम ऑन इट्स वॉरहेड, यानी इसमें टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम का भी यूज करा गया है। ठीक है, और इसमें अगेन जो इसका लॉन्च व्हीकल है, दैट इज योर ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च व्हीकल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मिसाइल डिफरेंट होती जाती है, तो उसी तरीके से जो हमारा ये जो लॉन्चर है उसको, यानी लॉन्चर व्हीकल जो है, वो हमें अलग अलग यूज करने पड़ते हैं, उनका डिजाइन अलग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर मिसाइल की अलग अलग रेंज होने की वजह से या अलग अलग उसकी कैपेसिटी होने की वजह से उस मिसाइल की शेप अलग हो जाती है, उसकी लेंथ अलग हो जाती है, उसकी विथ अलग हो जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका वेट भी बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग डिफरेंट यानी उसके अकॉर्डिंग यानी मिसाइल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उस लॉन्चर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही होता है, यहां पर भी हमारी जो, जब हमारी मिसाइल जैसे जैसे उसकी वेट बढ़ता है, यानी उसकी पेलोड वेट बढ़ता है या उसका टोटल वेट बढ़ता है, तो उसकी लेंथ और उसकी विथ भी बढ़ जाती है, यानी उसका डायमीटर, जैसे कि मिसाइल बनाई जाती है, तो उस वजह से उसका जब वेट बढ़ता है तो उसको कैरी करने के लिए भी हमें एक बहुत हाईली स्टेबल व्हीकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी व्हीकल यूज करी जाती है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर, जो कि हम, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर व्हीकल। ठीक है, ये जो हमारी व्हीकल है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर व्हीकल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी अग्नि जो मिसाइल है वो, उसको किस किस पार्ट में डिवाइड करा गया है, यानी उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी अग्नि वन मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है, 700 to 1200 किलोमीटर, और इसका जो पेलोड है दैट इज अ सिंगल वॉरहेड, तो उसमें क्या है, 2000 kg। और उसके साथ साथ अगर मैं चाहूं तो उस वॉरहेड की जगह न्यूक्लियर भी यूज कर सकता हूं, कि जैसे कि आपने देखा था पिछली स्लाइड में कि ये क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी इसमें हम न्यूक्लियर वॉरहेड का भी यूज कर सकते हैं। अगेन इसका जो वेट है दैट इज 12000 kg, और जो हमारा इसमें प्रोपल्शन सिस्टम है वो कौन सा है, सॉलिड है, और इसमें एक सिंगल स्टेज का ही यूज करा गया है, और इसके साथ साथ इसमें इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का यूज करा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं, दैट इज अग्नि 2 मिसाइल। अग्नि 2 मिसाइल यानी जैसे ही मैंने 2 का नाम लिया, दैट मींस उसमें या तो वॉरहेड या हमारी रेंज या उसका वेट डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो इसकी रेंज है दैट इज अप्रॉक्स 2000 to 3500 किलोमीटर। तो जब हम सिंगल वॉर, यहां पर हम देखते हैं कि जब हमारा सिंगल वॉरहेड है दैट इज अवर 1000 kg, और अगेन यहां पर न्यूक्लियर का भी, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड का भी यूज करा जा सकता है, और यहां पर वेट जो है हमारा 16000 kg बढ़ जाता है। और यहां पर क्या है, हमारी जो मिसाइल है दैट इज 2-stage सॉलिड प्रोपल्टन, यानी यहां पर हमारी जो मिसाइल है वो क्या है, उसमें सॉलिड स्टेट यानी स्टोरेज यानी सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा गया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो अगेन यहां पर क्या है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज करा गया है, और साथ साथ इस मिसाइल में जीपीएस के थ्रू भी क्या करा जाता है, जीपीएस के थ्रू इसमें मिसाइल में
गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि हमारे पास जो गाइडेंस सिस्टम है वो सिर्फ इनर्शियल नहीं होता या उसमें इंटरनल गाइडेंस सिस्टम ही नहीं होता, उसको हम गाइडेंस सिस्टम बाहर से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी जीपीएस मतलब सैटेलाइट के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जब हमारी मिसाइल की रेंज बढ़ती है तो हमें उसके ऊपर नजर भी रखनी होती है, उसमें सब कुछ देखना होता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, तो इसीलिए उसको अलग अलग तरीके से ट्रैक भी करा जाता है ताकि वो मिसाइल प्रॉपर टारगेट पे पहुंची है नहीं पहुंची, और उसके साथ साथ उसको एक पर्टिकुलर गाइडेंस सिस्टम भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो मिसाइल है हमारी वो क्या है, दैट इज अग्नि 3। अगेन यहां पर देखा अग्नि 3, दैट मींस उसकी रेंज बढ़ गई, और यहां पर हमारा जो वॉरहेड है वो हमने नॉर्मल वही रखा है, लेकिन यहां पर क्या है हमारी रेंज बढ़ गई और उसके साथ साथ वेट बढ़ गया, और उसके साथ साथ हमने देखा कि इसमें अगेन 2-स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, और इसमें क्या है हमारा इमेजिंग रेडार सिस्टम का यूज करा गया है, यानी इमेजिंग इंफ्रारेड एंड एक्टिव रेडार टर्मिनल कोरिलेशन सीकर। इसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम नाग मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि ये जो सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है नाग मिसाइल में भी वैसे ही काम करता है जैसे कि यहां पर करता है, तो वहीं पर ही हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो और अग्नि 4 अगेन 4th है, तो यहां पर हमारी रेंज बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि अग्नि 4 यहां पर दिस इज योर 5000। ठीक है, और अगेन यहां पर वॉरहेड का जो यूज करा वॉरहेड जो है हमारा 8800 kg है, यहां पर हमने क्या करा है यहां पर वेट को कम कर दिया है, क्योंकि यहां पर हमने क्या करा वॉरहेड की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी और साथ साथ हमने उसकी रेंज भी कम करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहां पर भी अगेन क्या है 2-स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन का यूज करा गया है, 2-स्टेज यहां पर भी हमारा 2-स्टेज है और सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा जा रहा है, और अगेन यहां पर क्या है इस मिसाइल में हम क्या कर रहे हैं हमने क्या करा है रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल सिस्टम का यूज करा है। गायरो सिस्टम क्या करता है मिसाइल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि हमारे प्लेन्स में भी यूज करी जाती है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करा जाता है। नेक्स्ट जो मिसाइल आती है हमारी वो क्या है दैट इज अवर अग्नि 5। उसकी जो रेंज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5000 to 8000 km, और अगेन इट कैन कैरी न्यूक्लियर एज वेल एज अदर हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स, और उसकी जो उसका जो वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 kg है इसका वेट, और इट इज 3-स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, यानी इसमें 3 स्टेजेस का यूज करा गया है, और अगेन यहां पर पिछले वाली यानी अग्नि 4 की तरह इसमें भी रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का यूज करा गया है, और उसके साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का भी यूज करा गया है। और अग्नि जो 6 है वो हमारी क्या है अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, और अभी इसकी डेवलपमेंट हो रही है, और उसका यूज इन फ्यूचर आगे उसकी डेवलपमेंट बेस पे ही करा जाएगा जैसे ही टेस्ट जो है हमारे सक्सेसफुल रहेंगे और उसका आगे यूज करा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मिसाइल है दैट इज अवर त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल इज अ मिसाइल विच इज यूज बेसिकली फॉर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है सबसे पहली चीज, और इसकी रेंज जो है 9 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस त्रिशूल के बारे में है, इट इज अ मिसाइल जो कि ये एक प्रोजेक्ट है था, और अब डीआरडीओ ने यानी काफी टाइम पहले इसको बंद कर दिया है। ठीक है, इसका रेंज इसका रीजन क्या रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज जो कि ओवरकम नहीं करेगा टाइम के साथ, तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा प्रोपल्शन सिस्टम है वो क्या है 2-स्टेज अगेन सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, इसका वेट 130 kg है। इसके बारे में ज्यादा हमें डिटेल में ना जाने की जरूरत है और ना ही इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है काफी टाइम पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन ये इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम इसका एक सिर्फ रिव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और पेलोड क्या है 15 kg, और इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रेवल सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमने आगे जो हमारी मिसाइल है दैट इज अवर आकाश। आकाश क्या है, दैट इज द मीडियम रेंज और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, और इसका प्रोपल्शन सिस्टम क्या है सॉलिड बूस्टर, एंड इसमें हम क्या करते हैं रामजेट इंजन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था रामजेट इंजन का यूज तभी करा जाता है जब हमारा क्या होता है जब हमारी जो मिसाइल है उसको सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो सुपरसोनिक स्पीड जो उसकी पहुंचने के बाद ही क्या होता है हमारा रामजेट सस्टेनर मोटर काम करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इसकी रेंज है
दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 to 80 किलोमीटर और इसकी जो वेट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 720 kg और इसमें अगेन जो पेलोड है वो कौन से यूज करे जाते हैं हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स का यूज करा जाता है और इसमें जो गाइडेंस सिस्टम है वो कौन सा है हमारा कमांड दैट इज कमांड गाइडेंस और एक्टिव रेडार होमिंग गाइडेंस. ठीक है, अब होमिंग गाइडेंस क्या होता है, कमांड गाइडेंस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली पहले वाले में हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑलरेडी फीडेड डाटा, यानी हम क्या करते हैं जो उसमें ऑलरेडी डेटा फीड कर दिया उसके बेसिस पे उससे वो क्या करती है वो मिसाइल गाइड होती रहती है. उसके साथ साथ हम उसको बाहर से भी गाइड कर सकते हैं और होमिंग गाइडेंस सिस्टम क्या करता है, होमिंग गाइडेंस सिस्टम में उसमें जस्ट लाइक ऐसा होता है कि आप कार चला रहे हैं और कार में बैठा हुआ बंदा क्या कर रहा है स्टेरिंग को घुमा रहा है, लेकिन मिसाइल में जैसा कि बताया इट इज अनमैन्ड व्हीकल. ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो स्टेरिंग सिस्टम होता है वो ऑलरेडी क्या होता है मिसाइल के अंदर प्रोवाइड होता है. नॉर्मली जो गाइडेंस जो स्टेरिंग है वो कैसे प्रोवाइड करता है, नॉर्मली जो स्टेयरिंग सिस्टम है वो हम एरोडायनेमिक सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारी टेल्स होती है विंग्स होती है, लेकिन होमिंग गाइडेंस सिस्टम में हम क्या करते हैं हम अपने मिसाइल के अंदर ही क्या करते हैं स्टेयरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि जिससे हमारी जो मिसाइल है वो इंटरनली ही क्या करती है वो इंटरनली ही उसमें सिस्टम लगा है जिससे वो क्या करती है अपने आप को राइट या लेफ्ट या अप या डाउन कर सकती है. ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है होमिंग गाइडेंस सिस्टम. और इसके साथ साथ जो इसमें हमारे लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है These are the T-72, BMP-2. These are the tanks जो कि हमारे इंडिया में यूज करे जाते हैं. ठीक है, These are the armor tanks. ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं जो टाटा के द्वारा बनाई गई हमारी क्या है That is the heavy mobility truck. इसका भी यूज हम क्या कर सकते हैं आकाश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या उसको लॉन्च करने के लिए यूज करा जा सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो मिसाइल है वो हमारी क्या है, सेकेंड इज अवर नाग. नाग इज वट दैट इज अवर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ठीक है, और अगेन इसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम है दैट इज अवर सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम. यानी हमने अगेन जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रोपल्शन सिस्टम के बेस पे हमने मिसाइल को सिक्स पार्ट में क्लासिफाई करा था. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम नाग में हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं सॉलिड का. ठीक है, तो इसकी जो रेंज है मिनिमम रेंज जो है दैट इज अवर 500 मीटर और जो मैक्सिमम है दैट इज अवर 20 किलोमीटर और जो टॉप स्पीड है दैट इज अवर 230 मीटर पर सेकेंड. और इसमें जो गाइडेंस सिस्टम का जो यूज करा जाता है जैसे कि हमने पहले देखा था कौन सा गाइडेंस सिस्टम, दैट इज योर इमेजिंग इंफ्रारेड 2 mm वेव एक्टिव रेडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम. ठीक है, तो यहां पर अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इंफ्रारेड गाइडिंग सिस्टम काम करता है. ठीक है, और उसके साथ साथ इसका जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म कौन सी है, नमिका दैट इज द नाग मिसाइल कैरियर. उसके साथ साथ इसमें रुद्र हेलीकॉप्टर का, यानी इसकी जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं उस वेरिएंट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज करा जाता है. कुछ नाग मिसाइल हैं जो लैंड से लॉन्च करी जाती है यानी सरफेस से, उसको सरफेस से यूज करा जाता है और सरफेस पे ही उसको क्या करा जाता है उसको टारगेट करा जाता है. कुछ जो नाग मिसाइल है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू, जिसे जैसा कि हमारा जो रिसेंटली जो हमारी डेवलप्ड है दैट इज द हेलिना सेंट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे इसका वेरियंट के बारे में. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं हेलीकॉप्टर से हम उसको क्या करते हैं लॉन्च करते हैं और उसको बेसिकली किस पे टारगेट करा जाता है, या तो हम बेसिकली नॉर्मली जो हम उसको सरफेस पे टारगेट करने के लिए यूज करते हैं. चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है. ठीक है, तो दिस इज अवर बेसिकली नाग के जो सेलियंट फीचर है वो क्या कहते हैं, नाग इज बेसिकली थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल. फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कौन सी होती है, यानी एक बार उसमें मैंने क्या करा फायर कर दिया तो वो डेफिनेटली अपने टारगेट पे जाके क्या करेगी बर्स्ट होगी, यानी वो अपने टारगेट पे जाकर जरूर पहुंचेगी और उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल. यानी एक बार फायर कर दो और भूल जाओ उस मिसाइल के बारे में कि वो अपना काम करेगी ही करेगी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट. इसमें क्या है एडवांस पैसिव होमिंग गाइडेंस सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें होमिंग गाइडेंस सिस्टम का यूज करा जाता है. और होमिंग गाइडेंस सिस्टम में यानी क्या है, यानी जो स्टीयरिंग जो है वो हम नॉर्मली क्या करते हैं विंग्स का यूज करते हैं टेल्स का यूज करते हैं, यही सारी चीज क्या करती है मिसाइल को स्टीयरिंग प्रोवाइड करती है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन. ठीक है, लेकिन यहां पर जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो क्या है, वो इंटरनली यानी मिसाइल के अंदर ही लगा हुआ है. मिसाइल
मिसाइल के अंदर सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि वो क्या करता है, मिसाइल को गाइड करता है कि उसे अप जाना है, डाउन जाना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। और वो जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी इंस्ट्रक्शन कहां से आती है, गाइडेंस सिस्टम से, जैसे कि हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर जो होमिंग गाइडेंस सिस्टम है वो एरोडायनामिक सिस्टम की तरह क्या करता है, यानी उसको बाहर से क्या करना, बाहर से स्टीयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से भी रखी जाती है लेकिन मिनिमल, लेकिन और जो उसकी जो गाइडेंस सिस्टम है यानी अंदर से ही, यानी जो उसके, जैसे कि हमने देखा था जो मिसाइल है वो क्या करती है, यानी उसको टर्न कराने के लिए हम विंग्स या टेल्स का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि यहां पर इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल, उसको एक बार टारगेट कर दिया जाता है, वो क्या करती है अपने जो इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम लगा है, दैट इज अवर इमेजिंग इंफ्रारेड रेडार सिस्टम। ठीक है, वही क्या होता है, वो उसे गाइड करता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अवर, दैट इज द हाईली हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी, यानी एक बार इसको सिंगली यानी सिंगल शॉट करा और वो डेफिनेटली क्या है उसकी, यानी जो किलिंग प्रोबेबिलिटी है, यानी वो डेफिनेटली उस पर क्या करती है, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है और यानी उस टारगेट तक जरूर पहुंचेगी। और उसके बाद क्या है, डे एंड नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटी, यानी इसको दिन में और रात में भी लॉन्च करा जा सकता है। क्यों करा जा सकता है वो अभी इसकी वर्किंग में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको दिन में भी और रात में भी ये दोनों टाइम में काम कर सकती है। और साथ साथ क्या है, इसको लॉक इन बिफोर लॉन्च और यानी लॉक इन और बिफोर और आफ्टर लॉन्च यूज करा जाता है। यानी बिफोर और आफ्टर लॉन्च का मतलब क्या है, बेसिकली एक बार मैंने क्या करा, उसको बता दिया कि उसे वहां जाके क्या करना है, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इस मिसाइल को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो ये मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्च करने से पहले बता दूंगा और लॉन्च करने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूं, उसको गाइड कर सकता हूं। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि जब जीपीएस रडार सिस्टम का यूज करा जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, हम जब मिसाइल लॉन्च भी हो गई है तो वो भी उसको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, लॉक इन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। और इसका सबसे यूनिक फीचर क्या है कि ये जो मिसाइल है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इस तरीके की मिसाइल सिर्फ तीन ही कंट्री के पास है, दैट इज अवर इंडिया और जो नेक्स्ट है दैट इज अवर अमेरिकन जेवलिन, जिसके बारे में हमने देखा था क्वेश्चन में, हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद आती है इजरायली स्पाइक। ठीक है, और जैसा कि ये क्या है, दिस इज अ वेरी लाइट मिसाइल। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही लाइट है और इसके साथ साथ ये बहुत ही पावरफुल है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड सीकर। ठीक है, और जो कि जिसको हम जाम नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ये जो क्या है, ये जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी जो इंडिया में जो इसका सिस्टम बनाया गया है वो भी क्या है, जैम प्रूफ है। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस मिसाइल। ठीक है, ये जो नाग मिसाइल है इसकी यही खास बात है कि इसके तो जाम नहीं करा जा सकता और इसकी किलिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है इतना अच्छा है कि वो किल करने में, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा हाईली एक्यूरेट है। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे क्या फीचर्स हैं। इसके आगे नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं सबसे पहले कि नाग जो है वो किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले नाग को क्या करा जाता है, एक उसको लॉन्च करने से पहले टारगेट को क्या करा जाता है, इंफ्रारेड सीकर यानी इंफ्रारेड इमेजिंग के थ्रू टारगेट को पहले जान लिया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि लॉक इन बिफोर, यहां पर हम देखते हैं कि लॉक इन बिफोर टारगेट को, यानी टारगेट को यानी मिसाइल को लॉन्च करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, यानी उसके अंदर पहले से ही हम उसकी इमेज उसके अंदर क्या कर रहे हैं, फीड कर देते हैं कि भाई हाँ ये ही वो टारगेट है, अब मिसाइल को इसी पे जाके क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो उसको कैसे करा जाता है, उस मिसाइल को पहले भेजने से पहले थर्मल इमेजिंग का यूज करा जाता है। व्हाट इज थर्मल इमेजिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज द थर्मल इमेजिंग, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि जब थर्मल इमेजिंग किस तरीके से काम करती है। बेसिकली थर्मल इमेजिंग जितनी भी हीट रेडिएशन किसी भी बॉडी से निकल रही होती है या रेडिएट हो रही होती है या रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो थर्मल इमेजिंग जो होती है, यानी वो थर्मल इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम क्या करता है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है और उसकी एक इमेज ले लेता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट ये क्या करता है, अ थर्मल रेफरेंस इमेज ऑफ द टारगेट इज कैप्चर्ड। हमारे को एक क्या कर गया, एक रेफरेंस मिल गया कि हमें इसको, यानी इस नाग मिसाइल को एक क्या मिल गया, एक रेफरेंस मिल गया कि यही वो एक पर्टिकुलर चीज है, उसको एक शेप मिल गई और उसको एक पर्टिकुलर थर्मल ये मिल गया कि भाई उसको कितनी उसमें से थर्मल रेडिएशन निकल रही है। हर एक बॉडी में से थर्मल रेडिएशन की जो कैपेसिटी है या क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है, हर एक में से डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी की, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी
क्वांटिटी की हीट रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, तो उससे उसको आइडिया हो जाता है कि पर्टिकुलर जो रेडिएशंस हैं, यानी उसमें से जो पर्टिकुलर रेडिएशन की क्वांटिटी है वो कितनी है, और उसकी एक पर्टिकुलर इमेज मिल जाती है। तो वो किस वजह से मिलती है? जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल इमेजिंग की वजह से। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करता है, और जो नाक है वो सीकर सिस्टम का यूज करके उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है, और साथ साथ क्या है, वो कॉन्टिन्यूसली इमेजेस कैप्चर करता रहता है, और कैप्चर करने के साथ साथ वो क्या करता है, जो उसकी रेफरेंस इमेज होती है, जो उसने लॉन्च करने से पहले क्या होती है अपने अंदर स्टोर कर रखी होती है, उसके साथ वो क्या करता है, मैच करता रहता है कि ये जो इमेज है वो सेम है या नहीं है, और जैसे जैसे उसको लगता है कि हाँ ये वही इमेज है, तो वो उसी टारगेट की तरफ क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है। दैट इज अवर सीकर सिस्टम, ठीक है। तो वो सीकर सिस्टम क्या करता है, उसको एग्जैक्टली जब उसको पता चल जाता है कि यही वो टारगेट है, तो उसके आगे बढ़ता है और उसको डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करता है, और उसकी जो स्पीड है दैट इज अवर 230 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो सबसे अच्छी बात क्या है, दैट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द मिसाइल पेनिट्रेट्स द आउटर एक्सप्लोसिव, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नाग इज बेसिकली एंटी टैंक मिसाइल, तो इसको टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए करा जाता है। तो जो उसका फ्रंट पार्ट है वो क्या करता है, वो क्या करता है, आउटर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और जो मेन चार्ज है वो इनर आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। दैट वाज द बेसिक वर्किंग ऑफ आवर नाग मिसाइल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें जो आगे की हमारी जो मिसाइल है उसके वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। पहला क्या है, प्रोस्पीना, जो कि हमारा पहला वर्जन था, ठीक है, और इसमें क्या है, लैंड वर्जन ऑफ मेंट फॉर इन्फेंट्री, यानी इसको इन्फेंट्री, यानी जो बेसिकली जो हमारी आर्मी है जो फ्रंट पे क्या कर रही है वॉर के टाइम पे, या नॉर्मली क्या कर रही है, जो एक्टिव है उसको प्रोवाइड करी जाती है, ताकि वो क्या कर सके, टैंक को डिस्ट्रॉय करने में यूज करे जा सके, ताकि उसको इन केस कभी बैटल हो तो उसका यूज कर सके, ठीक है। तो इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द ट्रैकिंग कम लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इसको क्या करा जा सकता है, जिसके हम क्या करते हैं, नमिका, यानी नमिका मींस मैंने आपको बताया कि इट इज अगेन नाग मिसाइल कैरियर। देखते हैं कि वो कैसा होता है, दैट इज अवर दिस वन, दिस इज द नमिका, जैसे कि हमारा आपको नजर आ रहा है कि दिस इज अ टैंक, और इसी टैंक का यूज करके इस मिसाइल को क्या करा जाता है, आगे इसको लॉन्च करा जाता है और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको भेजा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा इसको क्या करा जाता है, द लॉन्च सिस्टम इज माउंटेड ऑन लाइट इन्फेंट्री, जैसे कि आपने देखा BMP-2, एंड इट कैन कैरी अप टू 6 मिसाइल, और ईच लॉन्चर कैन फायर 4 मिसाइल इन 1 मिनट। इसको 1 मिनट में इसको क्या करा जा सकता है, एक साथ हम क्या कर सकते हैं, 4 मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो पहला वर्जन था वो क्या था, दैट इज अवर प्रोस्पीना, और नेक्स्ट जो हमारा वर्जन है दैट इज हेलिना। हेलिना इज बेसिकली हेलीकॉप्टर लॉन्च, यानी जिसको हेलीकॉप्टर से नाग मिसाइल को जब लॉन्च करा जाता है, तो इसको हमने नाम दिया है दैट इज हेलिना, ठीक है, यानी विच इज लॉन्च फ्रॉम हेलीकॉप्टर, एंड विच इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ, यानी अनदर वर्जन ऑफ नाग मिसाइल, ठीक है। और इट कैन बी, इट इज बेसिकली माउंटेड ऑन रुद्रा हेलीकॉप्टर यूजिंग रुद्रास्त्र ट्विन लॉन्च सिस्टम एंड हेल लाइट कॉम्बेंट हेलीकॉप्टर, ठीक है। यही एक पर्टिकुलर जो अभी जो अभी जो अभी का जो वर्जन है वो इन्हीं के ही, यानी इन्हीं हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च करा जाता है। एंड द लॉन्च सिस्टम इज यूज बाई बोथ इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स, एंड द सपोर्ट टॉप कैट अटैक एंड डायरेक्ट अटैक, ठीक है। ये क्या करता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, टॉप अटैक में भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट अटैक में भी यूज कर सकते हैं। टॉप अटैक का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, टैंक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको टॉप अटैक कर सकते हैं, और डायरेक्ट अटैक मतलब इसको सामने से डायरेक्ट पेनिट्रेट अगर मुझे करना हो उस बेसिकली टैंक को, तो मैं उसमें भी यूज कर सकता हूं। टॉप अटैक में ये बेनिफिट रहता है कि इसमें जो हमारा टैंक का जो ऊपर वाला जो सिस्टम होता है वो सामने वाले से क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए टॉप अटैक मोस्टली प्रेफर करा जाता है। यानी टॉप मतलब मैंने इसको यहां से लॉन्च करा और मिसाइल आएगी और इस तरीके से क्या करेगी, इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी और अंदर जाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जो ऊपर का जो सिस्टम होता है टैंक का वो काफी क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली टॉप अटैक का ही यूज करते हैं। जो हमारी नाग मिसाइल है यानी हेलिना है, वो दोनों, यानी दोनों अटैक्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट वर्जन है, दिस इज बेसिकली हेलिना, जो कि आप देख सकते हैं दिस इज बेसिकली माउंटेड ऑन द हेलीकॉप्टर, इसको पहले से, यानी ये जो सिस्टम है ये यही जो पूरा सिस्टम क्या करते हैं, इसके साथ आप देख सकते हैं, इसके साथ हम क्या करते हैं, इस के साथ, ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अवर
नेक्स्ट इज अवर हेलिना सैंड, दैट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेलिना, ठीक है, दैट इज द स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। उसकी रेंज क्या है, 15 टू 20 किलोमीटर, जो अभी हमने देखी थी उसकी रेंज काफी कम थी, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7 टू 10 किलोमीटर, लेकिन इसका क्या है, इसकी रेंज बढ़ा दी गई है, इट इज अ थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मीन्स इट इज अ फायर एंड फॉरगेट। और जो पहली हमारी जनरेशन थी उसमें क्या होता था, हम सिर्फ क्या कर सकते थे, हम सिर्फ एक बार ही लॉन्च कर सकते थे, जैसा कि हमने प्रोस्पीना में देखा, प्रोस्पीना जो थी वो क्या है, दैट इज अगेन हमारी क्या है, दैट इज उसको हम क्या करते हैं, हम उसको लॉन्च करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें या तो हम उसको क्या करते हैं, लॉन्च व्हीकल से यूज उसको लॉन्च कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उससे भी जो पुराना वर्जन था उसको हम क्या करते थे, मैन माउंटेड होती थी, यानी उसको हम शोल्डर पे रख के, यानी आपने देखा होगा, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके से जो फर्स्ट जनरेशन से हम थर्ड जनरेशन पे अभी आए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, दिस इज द हायर रेंज एंड द न्यू नोज माउंटेड रेडार सीकर, यानी उसके नोज पे क्या है, हमारा रेडार सीकर लगा होता है, एंड हेल्प्स द मिसाइल प्लेटफॉर्म स्टे एट अ सेफ डिस्टेंस टू अवेट द एनिमी फायर। और इसको अगेन लॉक ऑन बिफोर एंड लॉक ऑन आफ्टर फीचर भी इसमें प्रोवाइड करा गया है, यानी इसको एक बार सिस्टम में लॉक ऑन सिस्टम, यानी लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, यानी आफ्टर लॉन्च में भी इसको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा सकती है और बिफोर लॉन्च में भी इसको गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, यानी इस मिसाइल वेरिएंट में ये फीचर हमें देखने को मिलते हैं। इट कैन हिट द टारगेट प्रिसाइजली एंड परफॉर्म एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर एंड मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय द टारगेट फ्रॉम अ लॉन्ग रेंज, ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, यानी काफी दूर रेंज से भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट, जो This is you can see on the screen, this is our SANT missile, ठीक है। Next देखते हैं हमारी next कौन सी missile है, that is our man portable anti-tank guided missile, जो कि हमारी, जिसको मैंने अभी बताया कि it is the first generation, यहां से हमारी जो missile यानी anti-tank guided missile का शुरुआत हुई थी, that is the basic guidance system, यानी इसमें कोई guidance system नहीं था, इसको हम क्या करते थे, सिर्फ man यानी shoulder पे रख के और अपने telescope का use करके, जो उस basically देखते हैं कैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा गाइडेंस, आई मीन यहां पर जो मिसाइल यानी मैन पोर्टेबल है, मैन पोर्टेबल मतलब कि यहां पर क्या है, यहां पर जो हमारी आर्मी है वो क्या करती है, उसको अपने शोल्डर पे रख के अपने अकॉर्डिंग उसको टारगेट करते हैं, दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन में इसको क्या करा गया, उसमें उसको एक सीकर सिस्टम प्रोवाइड करा गया, और थर्ड जनरेशन में क्या करा गया, उसको फायर एंड फॉरगेट सिस्टम भी प्रोवाइड करा गया, यानी उसमें इमेजिंग इंफ्रारेड का यूज करा जाता है, और जो हमारा सेकंड जनरेशन थी उसमें हमारे को एक इनर्शियल यानी एक गाइडेंस सिस्टम जो प्रोवाइड करा गया, लेकिन इतना एडवांस वर्जन नहीं था। जो थर्ड जनरेशन है वो हमारी जो आज की नाग है, यानी जैसा कि मैंने बताया, जिसको हम अलग अलग फोर वेरिएंट्स में यूज कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा जो फोर्थ वेरिएंट है, दिस इज अवर बेसिकली फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, मैन पोर्टेबल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी आपने देखा कि मैन पोर्टेबल जो है वो किस तरीके से यूज करी जाती है, एंड दिस इज अवर बेसिकली दिस इज वेरी लाइट इन कंपेरिजन टू द अदर वेरियंट एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम द शोल्डर, और जो स्ट्राइक रेंज है उसकी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, अपने सामने जो टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेंस यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए बनाया गया था, ये 1983 में इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पे हमारा डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर था, और उस टाइम पे इस एपीजे को, आई मीन उस टाइम पे इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा जो मिसाइल जो थी हमारे, हम क्या कर सके, हम अपने आप को मिसाइल में इंडिजीनियसली डेवलप कर सके, ठीक है। तो यही हमारा इस प्रोग्राम का मेन सिग्निफिकेंस है कि ताकि हमार को बाहर से यानी किसी दूसरी कंट्री से मिसाइल ना मंगानी पड़े, यही हमारा बेसिक सिग्निफिकेंस है, ताकि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट हो सके इस मिसाइल डेवलपमेंट में, क्योंकि मिसाइल ही एक ऐसी चीज है जो हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें या फिर अग्नि की बात करें या आगे की जो हम मिसाइलें देखेंगे, वो क्या करती है, हमारे मिसाइल सिस्टम को बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग जो हमारा डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है, यही हमारा मेन फीचर है इस प्रोग्राम का भी, ताकि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें, और यही सोच को रखते हुए इस सिस्टम को इनिशिएट करा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो मिसाइल सिस्टम है, नेक्स्ट जो हमारा
मिसाइल सिस्टम कौन सा है? दैट इज द के सीरीज फैमिली. व्हाट इज द के सीरीज फैमिली? इट इज बेसिकली अ सबमरीन लॉन्च. इसको हम क्या करते हैं, सबमरीन लॉन्च जो है बैलिस्टिक मिसाइल है. और इसको हम किस लिए बनाया गया है, ताकि हम क्या कर सके, हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ सके. ठीक है, सेकेंड स्ट्राइक मीन्स यानी अनदर स्ट्राइक. यानी जैसे कि अगर हम उसकी बात करें, जो अगर जो भी मिसाइल हमारी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, तो फिर भी हमारी सबमरीन क्या कर सकती है, वो एक सेकेंड स्ट्राइक यानी उसको भी बियर करने के बाद एक अनदर स्ट्राइक उस पर कर सकती है. तो दैट्स वाई इट्स अ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी. जो हमारी सबमरीन लॉन्च जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो क्या है, वो उसको जो प्रोजेक्ट दिया गया है, यानी के सीरीज फैमिली को जो प्रोजेक्ट का नाम दिया, दैट इज अवर ब्लैक प्रोजेक्ट. क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली सीक्रेट रखी गई है, उसमें कम से कम इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है. ठीक है, इसीलिए इसको ब्लैक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है. और इसको किसने डेवलप करा है, इसको भी हमारे डीआरडीओ ने ही डेवलप करा है. और इसमें हमें जो रेंज देखने को मिलती है, दैट इज अवर हमारी जो बेसिक सीरीज है, वो कहां से स्टार्ट होती है, K15, K4, K5 एंड अगेन आगे जो आने वाली मिसाइल है K6 है, उनके ऊपर हमारी क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट चल रही है. चलिए आगे देखते हैं कि ये कौन-कौन सी मिसाइल्स हैं, इनकी बेसिक पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेटजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इट इज बेसिकली ये जो मिसाइल है, ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करती है. व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड? न्यूक्लियर ट्रायड मींस कि हमारे पास ऐसे अब इक्विपमेंट है कि हम तीन बेसिस से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं. दैट मींस कि मैं चाहूं तो अपने न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर मिसाइल्स को मैं लैंड से भी लॉन्च कर सकता हूं, उसके साथ साथ मैं उसको एयर से भी लॉन्च कर सकता हूं, और इस सबमरीन यानी इस के सीरीज के होने की वजह से मैं सबमरीन से भी यानी सी से भी इसको क्या कर सकता हूं, न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता हूं. न्यूक्लियर मिसाइल मींस वो मिसाइल जो कि जिसको हम न्यूक्लियर कैपेबल कहते हैं, यानी उसमें हम न्यूक्लियर एमिशन रख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी जो मिसाइल है सबसे पहले वो क्या करती है, वो हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करती है. और उसके साथ साथ इट इंक्रीजेस द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड बूस्ट द न्यूक्लियर डेटरेंस. ठीक है, तो यही हमारा बेसिक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस जो है यही है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अवर के सीरीज फैमिली. ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, इट कैन नॉट ओनली, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या कर सकती है, ये सिर्फ एक स्ट्राइक यानी उसके ऊपर अगर किसी मिसाइल कोई भी सबमरीन के ऊपर एक मिसाइल स्ट्राइक करती है, तो वो जो सबमरीन है वो उसको बियर करने के बाद भी क्या कर सकती है, एक मिसाइल और क्या कर सकती है, लॉन्च कर सकती है. और सामने वाले जो व्हीकल है या सामने वाली शिप है या सामने से किसी जिसने भी उसके ऊपर स्ट्राइक करा है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है. ठीक है, That is the importance of our SLBM, that is the sea launch or submarine launch ballistic missile. यहां पर जो है हमारी K series वो basically submarine launched ही है. ठीक है, और उसके बाद इसका जो सबसे importance क्या है, ये इसको किससे लॉन्च करा जाता है, दैट इज द अरियन सबमरीन, जिसको आपने न्यूज में काफी सुना होगा और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी. ठीक है, और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि आपने देखा है, बहुत बार न्यूज में भी सुना है कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, दोनों में कुछ ना कुछ स्टैंड ऑफ चलता रहता है या दोनों में क्लैशेस होते रहते हैं. और इसके साथ साथ चाइना के साथ भी आपने देखा होगा बहुत बार क्लैशेस होते हैं या बेसिकली स्टैंड ऑफ रहता है. तो ये जो सबमरीन लॉन्च हमारा जो ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड जो पूरा करता है, ये क्या करता है, हमारे को एक और नई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. क्योंकि ये दोनों कंट्रीज क्या हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो हमारे अपने यानी हमें अपनी खुद की कंट्री को भी न्यूक्लियर कैपेबल यानी और ज़्यादा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. तो इसीलिए ये जो मिसाइल्स हैं ये हमारे ट्रायड को कंप्लीट करती हैं. इवन हमारे जो पाकिस्तान और जो बाकी जो यानी चाइना है, वो उनके पास भी न्यूक्लियर ट्रायड अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है और उनके उनकी वो भी अभी टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस मिसाइल इज स्ट्रेटजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये हमें एक न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोवाइड करती है, यानी एक अनदर हमारे को एक सोर्स प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने न्यूक्लियर वेपन को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और सामने से आ रहे न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको जैम कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो हमारी SLBM है यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, वो इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए देखते हैं जो इसमें हमारी पहली मिसाइल है वो कौन सी है. तो सबसे पहले आती है हमारी के सीरीज में, सबसे पहले है हमारी
K15 यानी सागरिका, ठीक है। तो सागरिका जो है, दैट इज जिसको हमारी जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो फर्स्ट वर्जन था वो क्या था, दैट इज योर K15 मिसाइल, ठीक है। तो इसकी जो क्लास है दैट इज अवर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये शॉर्ट रेंज है, यानी आप देख सकते हैं इसकी रेंज कितनी है, दैट इज योर 700 to 750 किलोमीटर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें टू स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसमें से एक जो है वो अंडरग्राउंड वाटर बूस्टर सॉलिड फ्यूल मोटर है। यानी उसमें होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करा जा रहा है, यानी जब इसको लॉन्च करा जाएगा तो ये अपना जो पाथ है कुछ पाथ वाटर के अंदर ट्रेवल करेगी। तो वाटर के अंदर जो भी मिसाइल ट्रेवल करती है उसके लिए एक डिफरेंट सिस्टम, यानी एक डिफरेंट सिस्टम डिजाइन करा जाता है जो कि वाटर में ट्रेवल कर पाता है। तो यहां पर जो हमारा पहला जो सिस्टम होता है, यानी जो पहली स्टेज होती है, वो क्या होती है, अंडरग्राउंड बूस्टर सॉलिड फ्यूल मोटर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये मिसाइल पानी से बाहर निकलती है और अपने टारगेट की तरफ आगे मूव करती है, तो जो फर्स्ट स्टेज है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर जो बूस्टर है, वो क्या करता है, उस मिसाइल से अलग हो जाता है और जो हमारी दूसरी, यानी दूसरी जो स्टेज है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका जो वेट है दैट इज ओवर 5500 to 6300 kg। और इसके साथ साथ इसमें जो पेलोड है आप देख सकते हैं वो हाईली एक्सप्लोसिव और साथ साथ न्यूक्लियर भी इसमें, यानी न्यूक्लियर कैपेबल है ये, और इसको न्यूक्लियर वॉरहेड भी हम क्या कर सकते हैं, इस मिसाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें जो गाइडेंस सिस्टम है वो कौन सा है, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है और साथ साथ रेडार बेस्ड टर्मिनल होमिंग सिस्टम है, यानी रेडार बेस्ड है, ठीक है। यानी इसको गाइडेंस किससे मिलती है, रेडार से मिलती है, लेकिन होमिंग सिस्टम है, यानी इसकी जो आपकी जो स्टेयरिंग सिस्टम है, यानी जो मैंने आपको बताया था नॉर्मली जो स्टेयरिंग होती है वो एरोडायनामिक्स के थ्रू होती है, यानी टेल्स और विंग्स के थ्रू होती है, लेकिन होमिंग सिस्टम में होता क्या है, होमिंग सिस्टम में वो गाइडेंस उस मिसाइल को इंटरनल, यानी इंटरनली वो कंपोनेंट्स इसके अंदर सेट होते हैं, फिक्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करती है, आगे अपनी पाथ को ऊपर नीचे या राइट या लेफ्ट टर्न लेती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज अवर INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ठीक है, जिसे 2016 में कमीशन करा गया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट मिसाइल है वो कौन सी है, नेक्स्ट मिसाइल इज K4 सीरीज। K4 इज द अपग्रेड वर्जन ऑफ अवर बेसिकली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। और K4 सीरीज में क्या है, इट इज अ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये इंटरमीडिएट रेंज है। और मैंने आपको बताया था कि रेंज बेसिस पे इंटरमीडिएट रेंज कितना ट्रेवल कर सकती है, और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारी रेंज है इस K4 सीरीज की दैट इज अवर 3500 किलोमीटर। और इसके अंदर टू स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, और अगेन ये भी मिसाइल, इस मिसाइल में भी हमारा जो पहली स्टेज होती है वो अंडर बूस्टर मोटर सिस्टम लगा होता है, क्योंकि इस मिसाइल को भी सबमरीन से लॉन्च करा जा रहा है। और जो भी मिसाइल सबमरीन से लॉन्च होगी उसमें जो पहली स्टेज होती है वो इसी तरीके से डिजाइन करी होती है जो कि वाटर के अंदर ट्रेवल कर सके। और उसके बाद जो इसका वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17 टन्स, और इसके अंदर भी अगेन हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स और न्यूक्लियर वॉरहेड को भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली यहां से दूसरी जगह जहां पे भी हमें टारगेट करना है वहां पर उसको भेज सकते हैं। और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है अगेन हमारा K15 सीरीज के जैसा ही है। और इसके साथ साथ इसका जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, अगेन इसका भी लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अगेन INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे हमने 2016 में यानी इंडिया ने कमीशन करा था। और इसके साथ साथ आती है हमारी नेक्स्ट जो मिसाइल है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज है, दैट इज अवर K15 एज वेल एज K16। K16 की भी प्लानिंग चल रही है और K5 जो है K6 की अभी प्लानिंग चल रही है, और K5 जो है वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और अभी इसकी टेस्टिंग होनी है, ठीक है। जो इसका जो इसकी भी जो रेंज है दैट इज अवर दिस मिसाइल इज ऑल्सो अवर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये भी जो है इंटरकॉन्टिनेंटल है, ठीक है, क्योंकि अब जो मिसाइल है यानी इसकी जो रेंज है वो बढ़ाई जा रही है ताकि इसे हम सबमरीन से लॉन्च करके किसी भी दूसरे कंटिनेंट तक पहुंचा सके। इससे जो पहले थी वो थी क्या थी, हमारी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और अगेन इसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम है टू स्टेज सॉलिड प्रोपल्टेंट है, यानी इसमें
टू स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम लगाया है, सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसमें से अगेन हमारा फर्स्ट क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर बूस्टर मोटर लगी होती है उसमें। और इसमें जो एक्सपेक्टेड जो इसकी रेंज कही जा रही है वो कितनी है, 5000 किलोमीटर फॉर K5 सीरीज एंड 6000 किलोमीटर फॉर K6 सीरीज। और इसका जो वेट है अभी तक कोई स्पेसिफाई नहीं हुआ है क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट स्टेज है। जब ये बन जाएगी यानी इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी और होपफुली जब इसकी फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट होगा तो शायद इसकी लॉन्चिंग वेट और गाइडेंस सिस्टम और होपफुली हमारा इसका जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है वो भी हमें पता चल जाएगा। ये दोनों जो है अभी यानी K5 जो है वो क्या है, हमारी डेवलपमेंट स्टेज में है, K6 जो है वो प्लानिंग स्टेज में है, यानी इसको कब बनाना स्टार्ट होगा अभी ये भी फिक्स नहीं है। तो ये था हमारे आज का पहला सेशन जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा कि हमारे जो इंडिया में कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो यूज करे जा रहे हैं, और साथ साथ हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ हमने बेसिकली ये पढ़ा कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंडर हमने कौन कौन सी मिसाइल डेवलप करी है, कौन कौन सी इंडिजीनियसली। मोस्टली ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इंडिजीनियसली डेवलप करी जा रही है, क्यों, क्योंकि ताकि हम मिसाइल के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहें, ठीक है, ताकि हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग कर सकें और अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो यही हमारा बेसिक जो हमारा जो मेन मोटो है इस प्रोग्राम को पढ़ने का, यानी इस प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम इंडिया बना रहा है मिसाइल से रिलेटेड, वो यही रीज़न है कि अपने आप को स्ट्रांग करा जा सके और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके ताकि हम किसी भी वॉर को फेस करने लायक बन सके, ठीक है, यानी किसी भी वॉर को अच्छे से फेस कर सके। तो इसके साथ मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आई एक्सपेक्टिंग कि आप वो मुझे उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। एंड दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, इसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके, उन एस्पिरेंट तक पहुंच सके जहां पर उनको ये एक्चुअल में नीड है और जहां पर वो कोई भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उसमें हमारे प्लेटफॉर्म का यानी हमारे यूटिलिटेरियन IAS का एक्चुअल जो मोटो है वो फुलफिल हो पाएगा।